बजाज की वीडियो में न्यू ग्रैंड विटारा के बेस मॉडल सिग्मा को हुंडई क्रेटा के बेस मॉडल ई से कंपेयर करेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में पूछा कि भाई इन दोनों को कंपेयर करो। तो अगर आपका बजट है लगभग 10-10.5 लाख रुपए के आसपास एक्स शोरूम और आपको कंफ्यूजन है कि ग्रैंड विटारा आपके लिए बेहतर रहेगी या क्रेटा ई आपके लिए बेहतर रहेगी, मतलब क्रेटा का बेस मॉडल आपके लिए बेहतर रहेगा, ये वीडियो में एंड तक क्लियर हो जाएगा। वैसे बता दूंगा आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ग्रैंड विटारा की प्राइसिंग नहीं आई है, बट इतना मैं सियोरिटी के साथ कह सकता हूँ कि इसकी स्टार्टिंग प्राइस मतलब बेस मॉडल की प्राइस 10 लाख या 10.5 लाख, इनफैक्ट 9.5 लाख भी हो सकती है, तो इसी के बीच में ही रहेगी, तो वो आप देख लेना। और अभी क्रेटा ई की एक्स शोरूम प्राइस है 10.44 लाख, तो यहाँ पे प्राइसिंग लगभग सेम ही रहेगी, 19-20 हो सकती है। और जब प्राइस आ जाएगी तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा, ठीक है। तो प्राइस को अपन यहाँ पे नहीं देख रहे, सीधा अपन कंपेयर करते हैं दोनों ही कार के बेस वेरियंट को। पहले डायमेंशंस देखो, तो दोनों ही कार के एग्जैक्ट डायमेंशंस आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो। तो डायमेंशन में ऐसा है कि ग्रैंड विटारा की लेंथ 45 mm से ज़्यादा है, विड्थ 5 mm से ज़्यादा है और हाइट भी लगभग 20 mm से ज़्यादा है, लेकिन व्हील बेस यहाँ पे क्रेटा के 10 mm से ज़्यादा है। तो ओवरऑल डायमेंशंस में यहाँ पे ग्रैंड विटारा थोड़ी सी आपको बड़ी लग सकती है, क्योंकि लंबाई भी ज़्यादा है, चौड़ाई भी ज़्यादा है, ऊंचाई भी ज़्यादा है। इंजन की बात करूँ तो ग्रैंड विटारा का जो बेस मॉडल सिग्मा है उसमें आपको एक ही इंजन मिलेगा जो कि है 1.5 लीटर का हाइब्रिड के सीरीज पेट्रोल इंजन। ये 103 bhp के मैक्स पावर, 137 nm का मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस करके देगा और इसमें केवल एक ही ट्रांसमिशन मिलेगा जो कि 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ ही वेरिएंट आएगा। क्रेटा ई में आपको बेस मॉडल में देखो क्रेटा जो है ना उसमें डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन के ऑप्शन है। तो पहले पेट्रोल को अगर देखूं तो बेस मॉडल में 1.5 लीटर का MPI पेट्रोल मिलेगा जो कि 115 bhp की मैक्स पावर और 143 nm का मैक्स टॉर्क निकाल के देगा। डीजल इंजन इसमें आपको 1.5 लीटर का CRDI डीजल इंजन मिलता है जो कि 115 bhp की मैक्स पावर और 250 nm का मैक्स टॉर्क देगा। क्रेटा में आपको 6 स्पीड का ट्रांसमिशन मिलेगा। तो यहाँ पे इंजन के टर्म्स में मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि क्रेटा ई का इंजन ज़्यादा बेहतर है परफॉर्मेंस के टर्म्स में। जैसे आप दोनों ही कार के पेट्रोल को अगर कंपेयर करो, क्रेटा में लगभग 12 PS ज़्यादा पावर है और लगभग 6 Nm का ज़्यादा टॉर्क है। इंजन का जो पावर आउटपुट, टॉर्क आउटपुट क्रेटा का बेहतर है। इनफैक्ट क्रेटा में 6 स्पीड का ट्रांसमिशन है, ग्रैंड विटारा में केवल 5 स्पीड का मिलता है। तो इंजन में यहाँ पे डेफिनेटली मैं क्रेटा को विनर कर रहा हूँ। और एक रीज़न ये भी है कि भाई क्रेटा में डीजल इंजन है जबकि ग्रैंड विटारा में डीजल इंजन है ही नहीं। अब दोनों ही कार के एक्सटीरियर को देख लेते हैं। ग्रैंड विटारा का जो बेस मॉडल है सिग्मा, उसके फ्रंट में LED DRLs, आई हेलोजन वाली हेडलाइट देखने को मिलेगी, फ्रंट में आपको क्रोम भी देखने को मिलेगा। साइड की तरफ चलो तो 17 inch के स्टील व्हील देखने को मिलेंगे, इंडिकेटर ORBM में मिलेगा, बॉडी कलर के डोर हैंडल, बॉडी कलर के ORBM देखने को मिलेंगे। पीछे की तरफ स्पॉइलर मिलेगा, LED टेल लाइट मिलेगी, शार्पिन एंटीना है। क्रेटा में देखो तो क्रेटा में फ्रंट में बाई फंक्शनल प्रोजेक्टर हेडलाइट मिलेगी, LED पोजिशन लैम्प है और फ्रंट में बहुत ही बेसिक सी इसकी ग्रिल रहेगी ब्लैक कलर की। तो हाँ, साइड की तरफ चलो तो इसमें बॉडी कलर के डोर हैंडल, बॉडी कलर के ORBM और 16 इंच के स्टील व्हील देखने को मिलेंगे, इंडिकेटर फेंडर में देखने को मिलेगा। तो ये भी एक डिफरेंस है भाई कि ग्रैंड विटारा में 17 इंच के व्हील, क्रेटा में 16 इंच के व्हील। ग्रैंड विटारा में इंडिकेटर ORBM में थे लेकिन क्रेटा के बेस मॉडल ई में फेंडर में दिए गए हैं। पीछे की तरफ चलो तो पीछे रियर स्पॉइलर इसमें है, माइक्रो एंटीना है, LED टेल लाइट है। एक और डिफरेंस यहाँ पे निकल गया कि भाई ग्रैंड विटारा में शार्पिन एंटीना था लेकिन क्रेटा ई में माइक्रो एंटीना है। तो बाहर से देखने में क्लियरली यहाँ पे ग्रैंड विटारा विनर है, उसमें ज़्यादा फीचर्स हैं एक्सटीरियर में और देखने से थोड़ा सा ज़्यादा रिच लग रही है इन दोनों ही कार्स को अगर आप देखो तो। अब अंदर देख लेते हैं भाई, क्योंकि जब आप अंदर और फीचर्स देखोगे तो आपकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो ग्रैंड विटारा में अंदर डुअल टोन का इंटीरियर है जिसमें सिल्वर एसेंट भी यूज़ किया गया है, क्लस्टर एनालॉग प्लस MID मिलती है, चारों पावर विंडो हैं, फ्रंट में आपको स्लाइडिंग आर्मरेस्ट भी मिलता है जिसमें अंदर स्पेस भी, स्टोरेज भी दिया गया है, ड्राइवर वाली सीट हाइट एडजस्टेबल के साथ आती है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट स्टेयरिंग में है और स्टेयरिंग पूरी राउंड शेप में है, कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट भी है। तो ये एक बड़ी बात है कि बेस मॉडल में भी आपको पुश बटन स्टार्ट मिल रहा है। ऑटोमेटिक AC दी गई है, रियर AC वेंट दिए गए हैं और जो ORBM है ना वो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट और इलेक्ट्रिक फोल्डेबल के साथ आते हैं। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी बात है कि बेस मॉडल में ये सब मिल रहा है। पीछे की तरफ जाओगे तो पीछे भी आपको सेंटर में आर्मरेस्ट दिया गया है, लेकिन हाँ ये बेस मॉडल है तो इसमें कोई म्यूजिक प्लेयर वगैरह नहीं है।
अब आप क्रेटा के बेस मॉडल को देखो तो क्रेटा का भी बेस मॉडल डुअल टोन इंटीरियर के साथ है। इसमें डी कट स्टेयरिंग है, चारों पावर विंडो इसमें भी दिए गए हैं, कीलेस एंट्री भी है और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट इसमें भी है, लेकिन जो इसकी स्टेयरिंग है ना वो टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ आती है, टेलीस्कोपिक इसमें नहीं है। इसमें मैनुअल एसी है और रियर एसी वेंट दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप अंदर भी देखोगे ना यार तो बड़ा डिफरेंस है, ग्रैंड विटारा क्लियरली विनर है। जैसे कुछ फीचर्स ग्रैंड विटारा में एक्स्ट्रा है, पहला तो ये कि भाई स्टेयरिंग टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ आती है, पुश बटन स्टार्ट भी ग्रैंड विटारा में एक्स्ट्रा है, ग्रैंड विटारा में ऑटोमेटिक एसी है जबकि क्रेटा बेस मॉडल में मैनुअल एसी दिया गया है, इलेक्ट्रिक ओआरबीएम है ग्रैंड विटारा में जबकि इसमें मैनुअल ओआरबीएम है, पीछे सेंटर में आर्मरेस्ट दिया गया है ग्रैंड विटारा में जबकि क्रेटा में मिसिंग है। यहाँ पे देखो भाई ग्रैंड विटारा में फीचर्स ज़्यादा मिल रहे हैं आपको, म्यूजिक प्लेयर दोनों ही कार के बेस मॉडल में नहीं है, तो म्यूजिक प्लेयर तो आपको बाहर से ही लगवाना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रैंड विटारा में अगर म्यूजिक प्लेयर लगा दिया जाए तो भाई वो सारे फीचर्स मिल रहे हैं जो कि एक मिड वेरियंट में किसी भी कार के मिलते हैं, लेकिन क्रेटा में वो चीज़ नहीं है, क्रेटा में भाई बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है। तो डेफिनेटली इंटीरियर में फीचर्स के टर्म्स में भी ग्रैंड विटारा विनर है। अब यार देखो यहाँ तक तो ऐसा लग रहा है कि ग्रैंड विटारा में फीचर्स में ज़्यादा फोकस किया गया है, लेकिन इंजन कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे है क्रेटा के कंपैरिजन में। लास्ट में सेफ्टी भी देख लेता हूँ एक बार। तो ग्रैंड विटारा में सेफ्टी में ABS, CBD, दो एयरबैग, ESP, हिल होल्ड असिस्ट, ISOFIX, पार्किंग सेंसर और चारों डिस्क ब्रेक मिलता है और सेंट्रल लॉकिंग तो है ही। और क्रेटा ई में देखो तो ABS, CBD, दो एयरबैग, पार्किंग सेंसर, ESS, स्पीड अलर्ट सिस्टम, इंपैक्ट सेंसिंग, डोर अनलॉक, सेंट्रल लॉकिंग, इंजन मोबिलाइजर जैसे फीचर्स मिलते हैं। यहाँ पे सेफ्टी में भी देखो तो भाई ग्रैंड विटारा में ज़्यादा सेफ्टी ऑफर करी गई है। जैसे कुछ एक्स्ट्रा क्या है कि भाई इसमें हिल होल्ड असिस्ट दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम दिया गया है जो कि क्रेटा अपने मिड वेरियंट या हायर वेरियंट में ऑफर करता है, लेकिन ग्रैंड विटारा बेस मॉडल से ही दे रहा है। और सबसे बड़ी बात कि भाई ग्रैंड विटारा में चारों डिस्क ब्रेक दिए गए हैं बेस मॉडल से ही, लेकिन क्रेटा बेस में भाई फ्रंट में ही डिस्क ब्रेक मिलते हैं। तो डेफिनेटली सेफ्टी में भी ग्रैंड विटारा आगे निकल रही है। क्रैश टेस्ट का तो रिजल्ट है नहीं तो उसके बारे में क्या ही बात करना है। अभी फाइनल वर्ड यही रहेगा कि अगर आपको ना बिल्कुल एक अच्छा कमाल का एक्सटीरियर इंटीरियर ऑफर करे, अच्छे फीचर्स ऑफर करे तो ग्रैंड विटारा आपके लिए है। हाँ, अगर आपका बजट 10 या 10.5 लाख रुपए एक्स शोरूम का है, लेकिन आपको ना बिल्कुल इंजन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, इंजन भी अच्छा मिल जाए तब आप क्रेटा ले सकते हो। और हाँ, माइलेज में भी फर्क आएगा, ग्रैंड विटारा का माइलेज डेफिनेटली ज़्यादा रहने वाला है क्योंकि ये इसमें मारुति का जो स्मार्ट हाइब्रिड वाला इंजन है नया वाला वो है और लगभग 21 किलोमीटर के आसपास का क्लेम माइलेज भी है। तो माइलेज भी अगर आपको अच्छा चाहिए तो आप ग्रैंड विटारा ले सकते हो। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर मुझे पिक करना हो तो मैं ग्रैंड विटारा को क्लियरली विनर कर रहा हूँ क्योंकि इंजन में हाँ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज है बट ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी ज़्यादा है, अच्छा माइलेज है, अच्छे फीचर्स हैं, अच्छे लुक्स हैं, अच्छी सेफ्टी है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो।